मैं ओशीन शर्मा बोल रही हूँ। मैं 2018 बैच की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और 2019 बैच की मैं एचएस अधिकारी हूँ। और मेरी शादी विशाल नेहरिया, जो कि एमएलए धर्मशाला है प्रेजेंटली, उनसे 26 अप्रैल को हुई थी। और ये शादी हम दोनों की रजामंदी से हुई थी, लेकिन आज की डेट में वो मुझे फिज़िकली इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, मेरा शोषण करते हैं, मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं। कल उन्होंने अपने परिवार के सामने मुझे बहुत ज़ोर से मारा, 3 थप्पड़ मारे और मैं बिस्तर से नीचे गिर गई। और उन्होंने अपने माँ बाप को बुलाते हुए ये कहा कि आप ये देखिए, मैंने इसको मारा है और अब किस्सा ख़त्म करते हैं। मैं आपको कल, मैंने खुद को सेव करने के लिए कुछ फ़ोटोज़ ली हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी उंगलियों के निशान मेरे चेहरे पे हैं और मेरे पूरे फेस में बहुत ज़्यादा पेन है। मैंने खुद को बचाने के लिए खुद को कमरे में बंद किया और अपने पेरेंट्स को उसी समय कॉल किया और वो लोग मुझे वहाँ से ले गए। मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान हूँ क्योंकि कॉलेज में हम लोग साथ थे, लेकिन उसके बाद इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि कॉलेज में भी ये मुझे मारते थे, मैंने इन्हें छोड़ा और मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी। लेकिन एमएलए बनने के बाद ये फिर मेरे पास आए और 2019 में आए और मुझे निरंतर शादी के लिए बोलते रहे। मैं 2021 तक मैंने इन्हें मना किया, लेकिन 2021 में मुझे लगा कि शायद ये एक जेन्युइन इंसान है और शायद ये मुझे भूल नहीं पाए हैं कॉलेज से। मैंने इन्हें मौका दिया, लेकिन इन्होंने मेरा बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। शादी के चौथे दिन ही इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इनके पेरेंट्स उस समय नहीं थे, और घर से बाहर निकाल दिया सुबह 4:30 बजे, जब मैं कोविड पॉजिटिव थी, और कहा कि वो सामने रास्ता है, तू जा, चली जा वहाँ पे। और मैं वहाँ चली गई, मैंने कहा मुझे फ़ोन दे दीजिए, इन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं दिया। मैं सड़क पर बैठ गई, आई वॉज़ वेटिंग कि कोई आएगा तो मैं फ़ोन लूँगी, अपने पेरेंट्स को कॉल करूँगी। ये वहाँ आ गए, इन्होंने ग्लास की बॉटल उठाई और थ्रेट किया कि मैं इसको अपने सर पे मार दूँगा अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं चली। उस ब्लैकमेलिंग के बाद मैं घर चली गई इनके साथ वापस। मैंने कहा आपकी मम्मी को पता होना ज़रूरी है। इन्होंने छुरी ली और रसोई में चले गए, सॉरी वॉशरूम में खुद को बंद कर लिया और वहाँ पर ये धमकी दी कि मैं खुद को मार दूँगा अगर तुमने बताया। तो मैंने इनके माँ बाप को नहीं बताया। इनके माँ बाप, स्पेशली इनकी माँ, पिता इनके बीमार थे तो मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं है। इनकी माँ ने मेरी फैमिली को इतनी बार बुला के जलील किया है और ये झूठे एलिगेशंस लगाए हैं कि मैं इनके लड़के को मारती हूँ। इनके लड़के ने भी मेरे पे फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं कि मैं इन्हें अब्यूज़ करती हूँ, मैं इन्हें मारती हूँ। मैं अगर इन्हें मारती हूँ तो आप ये मुझे बताएं, क्या ये इस प्रकार के आदमी हैं कि एक मार खाएंगे? इन्होंने मुझे फरवरी 2021 में भी, चंडीगढ़ में थे हम होटल में, बहुत मारा। उस वक्त ये ड्रंक थे, इन्होंने मुझे आधे घंटे तक पीटा। इस इंसिडेंट के बाद भी जब मैंने कहा कि मैं पुलिस जाऊंगी तो इन्होंने मुझे वहाँ पे इमोशनल मैनिपुलेशन करके रोक लिया। जब मैंने शादी से मना किया तो इनकी माँ और मासी दोनों मेरे ऑफिस में आके इन्होंने भी यहाँ इमोशनल ड्रामा किया और वो रोई। और मुझे एज ए ह्यूमन लगा कि शायद मुझे एक चांस और देना चाहिए। मेरे माँ बाप को इन्होंने बहुत जलील किया, ये धमकियाँ दी हैं कि कभी कभी आपकी लड़की अगर हमारे घर में अकेली आ गई और तो हम पुलिस बुला लेंगी, और ये सुपरस्टिशियस बातें करते हैं ये लोग। चेले को बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, वो बताएगा कि इस लड़की ने हमारे बेटे को मारा है कि नहीं। इनकी मदर को ये नहीं पता कि ये मुझे किस तरह से थ्रेट करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि ये खुद को कुछ कर देंगे
और मेरे सामने सामने इन्होंने खुद को सर पे स्टील की बॉटल भी मारी। जिस रात मैंने इनसे ये पूछा, जब इन्होंने मुझे बताया कि सुबह इन्होंने और इनकी मम्मी ने कहीं निकलना है, तो एज अ वाइफ मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। इनका कहना था कि माँ ने मना किया है बताने से। मुझे गुस्सा आया, मैंने इन्हें झिंझोड़ा कि कम ऑन, आपको मुझे बताना चाहिए, आई एम योर वाइफ, आई एम योर पार्टनर, आई मस्ट नो। ये उठे और इन्होंने स्टील की बॉटल अपने सर पे मार ली, और स्टील की बॉटल में आज भी डेंट है। बाद में ये मुझ में एलिगेशन लगाई है कि मैं इन्हें अब्यूज़ करती हूँ और मैं इन्हें मारती हूँ। इनकी माँ ने ये तक मेरी माँ को फ़ोन करके बोला है कि आपकी लड़की हमारे लड़के को मरने पे मजबूर कर देगी। मेरा ये वीडियो बनाने का एकमात्र ये मकसद है कि मैं सबसे, पुलिस से और सभी से, सिर्फ अपने अपने परिवार की सेफ्टी चाहती हूँ, और अगर इन्हें कुछ भी होता है तो आई एम नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये लोग कोई किसी भी प्रकार का एलिगेशन लगा सकते हैं। विशाल हैज़ बीन फोर्सिंग मी टू हैव अ किड। आई हैव टोल्ड हिम न्यूमरस टाइम्स दैट ही इज़ नॉट मेंटली फिट टू बी अ फादर, एंड ही हैज़ बीन फोर्सिंग मी, ही डजंट अलाउ मी टू हैव अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो। एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं प्रेग्नेंट ना हूँ इस स्टेज पे, और मैंने खुद को बचाया है, और इसने मुझसे इसी बात पे बहुत बार झगड़ा किया है, ब्लैकमेलिंग की है कि मैं कभी नदी में कूद जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये सब इंसिडेंट कल आके ख़त्म हुए जब इन्होंने मुझ पे हाथ उठा के मुझे नीचे फेंक दिया और अपने माँ बाप को बुला लिया कि मैंने इसे मारा है। मैं अपना सारा सामान लेके अपने माँ बाप के साथ रहता आ चुकी हूँ। आज से पूरे 5 दिन बाद मेरी ट्रेनिंग है हिब्बा में, 1 जुलाई से। मेरा ये वीडियो बनाने का बस ये मकसद है कि मेरे पे कल को इस प्रकार की कोई एलिगेशन ना लगे, और जिस तरह की मेंटल एगनी और हैरेसमेंट मेरे साथ हुई है, वो फ्यूचर में किसी और औरत के साथ ना हो। बींग अ वूमन एंड बींग अ सिविल सर्वेंट, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है।